जो हमारा रखता है वो अपनी बात कहेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू साहब को उनकी 54वीं पुण्यतिथि पे नमन करता हूँ और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी देश को आज़ादी करने के लिए, जिस दौर से वो गुजरे हैं और जो बातें उन्होंने, जो उनकी सोच थी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस सोच पे हम आगे उस रास्ते पे चलेंगे जिससे कि देश का कल्याण हो सके और देश में सद्भावना पैदा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अभी राज शर्मा जी हमारे प्रवक्ता जी अपनी बात कर रहे थे, इसी क्रम में आगे बात हुए। आज जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सभी लोग जानते हैं कि आप अधिवक्ता की डिग्री विदेशों से लेकर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और गांधी जी के आंदोलन में आप शरीर होकर देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई और अहम भूमिका निभाते हुए उसी का ये रिजल्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में 1947 से लेकर 1964 में उनका जब ध्यान बहुत से पहले लगभग 17 साल तक वो लगातार देश के प्रधानमंत्री बनते रहे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने देश को चलाया। उनके टाइम में एक घटना भी घटित हुई जो हमारे चाइना का युद्ध था जिसमें हमारा देश डिफीट हुआ, उसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ था और वो भारतीय सीधे संकट होते हैं और उन्होंने जो है चाइनीज बातों के लोगों पर रहे कि वो नारा लगाते थे हिंदू चीनी भाई भाई हिंदू चीनी भाई भाई, उन्होंने जो है धोखा देकर अटैक कर दिया जिसका जो है हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद फिर अगला जब युद्ध 1971 का जो हुआ उसमें पाकिस्तान को उन्हें डिफीट किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी या उनकी प्रधानमंत्री कुछ भी कह लें, जो काम 1947 में बगैर संसाधनों को रहते हुए उन्होंने जो करके दिखाया, आज पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर जो आप एम्स देख रहे हैं, एम्स की शुरुआत उन्हीं के दिन है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं के टाइम में लगाई गई। तो ये नहीं कहा जा सकता सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसी कार्यकाल में हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में राजीव उपाध्याय साहब हैं जिले के महासचिव, तो शब्द अपने उनके लिए। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को सशस्त्र नमन और 100 की एक बात एक लाइन में जो कहने वाली बात है वो ये है कि आज जब देश कोरोना से लड़ गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कोरोना का इलाज भी संभव है तो वो नेहरू जी के बनाए हॉस्पिटलों में नेहरू जी की बनाई हुई ऑक्सीजन की फैक्ट्री, आज वहाँ से ऑक्सीजन आ रही है और उन हॉस्पिटलों में हमारा इलाज हो रहा है, तभी हम बच पा रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई भी एक लाइन में शब्दों में उनकी तारीफ नहीं की सकती। इसी शब्दों के नाम चाहूँगा कि हमारे बीच में ताराचंद चौधरी साहब जिले के उपाध्यक्ष। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों से एकदम खोखला देश मिला था, नेहरू जी की नीतियों से, अच्छी नीतियों से, स्वभाव और प्रेम से वो शासन चलाते थे, उनकी वजह से उन्होंने देश में एक अच्छी व्यवस्था अर्थव्यवस्था को कायम किया और हम आज के अवसर पर हम सब कांग्रेसी क्योंकि आदर्शों पर चलकर आपस में भाईचारा बना करके देश में कांग्रेस को कायम करें और हमारी अगली सरकार कांग्रेस को कैसा हासिल कर ले। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में सुनील मनचंदा साहब हैं, अपनी बात को पुण्यतिथि पे संक्षिप्त करें। आज हमारे घर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती है और जो भी पुण्यतिथि है और जो भी कुछ हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक सारे कांग्रेस में जितने भी बड़े बड़े गए लीडर आए गए थे प्रधानमंत्री, सबसे पहले गए जो है योगदान गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा। आज ऑक्सीजन से लेके चाहे वो हॉस्पिटल हो सब कुछ कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दिया हुआ और इंदिरा गांधी सारे लोगों का है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जुनेद हसन साहब हैं जिला कांग्रेस कमेटी के कोषा अध्यक्ष। जुनेद चलिए ठीक है, हमें इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर एक बार प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब को उनकी 54वीं पुण्यतिथि पे नमन करते हैं। धन्यवाद।